Question number 6 is from solid state. Atoms of metal X, Y, and Z form FCC unit cell of edge length capital LX, body centered cubic BCC unit cell of edge length LY, and simple cubic unit cell of edge length LZ, respectively if rz is under root 3 by 2 times of ry ry is equal to 8 by under root 3 times of rx mz is equal to 3 by 2 times of my and mz is equal to 3 times of mx then the correct statements is r given mx my and mz are molar mass of metal x y and z respectively rx ry and rz are atomic radii of metals x y and z रिस्पेक्टिवली सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन मिटेलिक क्रिस्टल है और इस मिटेलिक क्रिस्टल में हमें यह पता चल गया है कि जो एक्स मेटल है इट इज फॉर्मिंग एफ सी सी द वाई मेटल इज फॉर्मिंग बी सी सी एंड द जेड मेटल इज फॉर्मिंग सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सो वी नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्यूब और द साइज ऑफ द एटम पैकिंग फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एफ सी सी के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन मिटेलिक क्रिस्टल केस में लिखते हैं कि दैट इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फोर इन केस ऑफ डी सी सी इट इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स एट एंड इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक इट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव टू सो दिस इज करेक्ट दैट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफ सी सी इज ग्रेटर दैन द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बी सी सी एंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बी सी सी इज ग्रेटर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक पहला ऑप्शन यही दे रखा है पैकिंग एफिस यूनिट सेल एक्स इज ग्रेटर दैन वाई इज ग्रेटर दैन जेड सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ए ऑप्शन सही है अबाउट द बी ऑप्शन बी ऑप्शन के लिए अगर हम डिस्कस करें एल वाई एल वाई इज द एजलेंथ ऑफ द यूनिर्सल वाई इज यूज फॉर बी सी सी वैसे हम सबको पता है कि बी सी सी केस में अगर हम एल वाई और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन लिखे सो वी कैन से दैट दिस होल डिस्टेंस इज बॉडी डायग्नल बॉडी डायगनल को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ एज लेंथ राइट दिस बॉडी डायग्नल इज दिस बॉडी डायगनल इज अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ एज लेंथ सो दिस एजलेंथ इज एल वाई इन केस ऑफ बी सी सी और ये वैल्यू जो है दट इज इक्वल टू बिकॉज अलॉन्ग द बॉडी डायगनल तो ये टू आर हो गया ये आर हो गया ये आर हो गया सो फ्रॉम देअर वी कैन सेटम वाई दिस इज द रिलेशन वी आर यूजिंग सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द एजलेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन केस ऑफ बी सी सी इज इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ एटम वाई सिमिलरली इन केस ऑफ एफ सी सी क्योंकि ये जो ऑप्शन है एल वाई एंड एल जेड ओके सो इट इज रिलेटेड टू बी सी सी एंड सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक पे हम कह सकते हैं कि जो कॉर्नर पे एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट द एजलेंथ ऑफ द यूनिट सेल जेड रेडियस ऑफ एटम जेड सो नाउ वी हैल्कुलेट द वैल्यू ऑफ एल वाई अपॉन एल जेड तो ये एप्शन था बी ऑप्शन के लिए हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एल वाई अपॉन एल जेड एल वाई की वैल्यू हमने लिखी फोर बाई अंडर थ्री टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम वाई And for Lz, we are writing that this value is equal to 2 times of radius of atom Z. So if I simplify this, sakta hon, this is 2 by root 3. And there is a relation given over here about the radius of y and z atom. So from here, ry upon Rz ki value, agar hon, Ry upon Rz is 2 by root 3. So if I put over here, this is equal to 2 by root 3. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट दैट की ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू फोर और नीचे वाली जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज टू से कम है राइट right? ये वैल्यू है दिस वैल्यू इज वन पॉइंट सेवन थ्री टू सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन सो देंथ ऑफ द यूनिट सेल वाई इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ यूनिट सेल जेड

राइट right, ये हो गया फेस डायगनल फेस डायगनल को हम लिख सकते हैं फेस डायगनल इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल एक्स एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ यहाँ पे जो एटम्स हैं उनका रेडियस देखें तो देर आर आर टू आर एंड आर सो फोर आर फोर आर एक्स सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट एल एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू आर एक्स नाउ आई हैलकुलेट वॉट इज द वैल्यू ऑफ एलेक्स अपॉन एल वाई तो एलेक्स अपॉन एल वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एलेक्स अपॉन एल वाई इज इक्वल टू एलेक्स की वैल्यू है टू रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम एक्स डिवाइडेड बाई एल वाई की वैल्यू है फोर अपॉन रूट थ्री टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम वाई So, if I simplify, this root 3 upar chala up. I can write that this value is equal to under root 3 upon under root 2. Right? If I divide 4 by 2 root 2, root 2 will come. Rx upon Ry, that is given in the question. Rx upon Ry is root 3 by 8. Rx upon Ry is root 3 by 8. So, if here I put this is root 3 by 8.

x upon density of y density can be written as mass of unit cell upon volume of unit cell x fcc hai, so 4 times mass of one metal atom of x divided by volume of unit cell that is edge length lx whole cube density of y is equal to since it is bcc there are two atoms per unit cell so two times atomic weight of Atom Y or mass of one atom of Y divided by volume, volume of LY whole cube. So from here I can write that 4 divided by 2 is 2. Mx upon MY will put the value it is given. Mx upon MY and we have calculated the ratio of LY upon LX. We can put that value also. LY upon LX whole cube. So on simplification I can write that this is 2. एंड एम एक्स अपॉन एम वाई की अगर हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर एम जेड तो मैं इक्वेट कर देता हूँ फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ एम वाई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एम एक्स सो थ्री विल कैंसिल आउट वी कैन राइट दैट एम एक्स अपॉन एम वाई इज वन बाई टू सो यहाँ पर अगर हम वन बाई टू रखते हैं तो टू एंड वन बाई टू इज़ गोइंग टू कैंसिल आउट नाउ एल वाई अपॉन एल एक्स वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू एल एक्स अपॉन एल वाई तो एल वाई अपॉन एलेक्स का मतलब हो गया दिस वैल्यू इज इक्वल टू थ्री बाई एट रूट टू सो एट रूट टू बाई थ्री सो इफ आई पुट हीयर एट रूट टू बाई थ्री सो अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन इसका क्यूब करेंगे तो ये वन से बड़ा ही होगा सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट The density of x is greater than the density of y. So D option correct. Hai. So from here we are getting that uh, the first option is correct, the second option is correct. The third option is wrong, and the fourth option is correct. So answer for question number six is a, b, and d. So here we are at question number seven, it is a multi-correct question. बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स ये टच कर रहा है मल्टी uh, करेक्ट होने के साथ साथ इट इज़ अ मिक्स्ड बैग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप ये नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है है ना जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जो रिएक्शन यहाँ यूज हो रही है ये इलेवेंथ में हाइड्रोकार्बन चैप्टर वहाँ से उठाई हुई है अल्काइल बेंजीन अगर आप अल्कलाइन केमेनोफोर से हीट करते हैं तो वन डिग्री एंड टू डिग्री अल्काइल्स अगर अटैच्ड हैं कितने भी बड़े हों देर ऑल ऑक्सीडाइज टू सी ओ एच एंड थ्री डिग्री अल्काइल रिमेन्स अन टच्ड अन चेंज दिस इज द लाइन एग्जैक्ट इन एन सी आर टी आई थिंक इट इज ऑल्सो इन इलेवेंथ एज वेल एज इन कार्बोक्सलिक एसिड पिंजोइ एसिड प्रिप्रेशन इन चैप्टर ट्वेल्व दोनों जगह हो सकती है बट मुझे इलेवेंथ का तो क्लियर याद है कि ये लाइन वहाँ मैंशन है एंड दे रिएक्शन हमने यहाँ बनाई है देख सकते हैं आप पी पीज मोनोकार्ब कार्बोक्सिलिक एसिड पैरापोजिशन पे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इट एज अनचेंज एज सच राइट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेकेंड पॉइंट में हमें ये एसिड डेविटिव चैप्टर की तरफ फिर से देखें एक तरफ एस्टर है एक तरफ एसिड क्लोराइड है और एन एच और वॉटर में मतलब अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिस का इस्तेमाल किया गया है राइट अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो जाहिर है हमें एसिड नहीं मिलने वाला था हमें एसिड का सॉल्ट बनना था उसे वापस एसिड बनाने के लिए यहाँ ये एच थ्री ओ प्लस का मेंशन कर दिया गया है सेकंड पॉइंट एच थ्री ओ प्लस सो वी हैव मेटा पोजिशन पे डाय कार्बोक्सिलिक एसिड कंडीशन ऑन राइट आपको आइसोपथेलिक एसिड तैयार हो गया है क्लियर तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है क्यू अब यहाँ आते हैं हम यहाँ हाइड्रोलिसिस जब किया तो पहले तो ये एस्टर ठीक और क्योंकि हीट भी दे रखा है ये आपको एन में अच्छे से पता होना चाहिए कि साइनाइड के वहाँ पर अमाइड एंड एसिड की प्रिपरेशन के वक्त एन ने बहुत क्लियरली लिखा है साइनाइड एच थ्री ओ प्लस अमाइड सी ओ एन एच टू और इफ फर्दर एच थ्री ओ प्लस बट साथ में हीट तो उन्होंने दिया है सी ओ एच ये लाइन यूज है तो अगर एच थ्री ओ प्लस हीट दिया है तो विल गो टू एसिड फॉर साइनाइड ऑल्सो तो हमारे पास दोनों सेंटर एस्टर एज वेल एज साइनाइड इन दोनों का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये रहा हमारा एस्टर साइट ये रहा साइनाइड इन दोनों का हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप कहेंगे ये जो लिखा है ये तो मैच नहीं कर रहा है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट से यस बिल्कुल नहीं कर रहा है ये ऐसा आप प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बट इसे आप पहचानिए है, ये, ये जो बना सिर्फ हाइड्रोलिसिस से क्योंकि हीट दिया है ये क्या है अल्फा बीटा कीटो एसिड और बीटा कीटो एसिड हीट देने पर कभी रुकता ही नहीं है ये सी जो है डी हो जाएगा सी उड़ जाएगा इसलिए दिस इज द आंसर After hydrolysis and heat. Okay? So, yes, तो गया अब उसके बाद फिर से एच टू सी आर ओ फोर अगेन इट इज ऑक्सीडेशन फिर से वही बात की बेनजीन से आपका कोई भी फंक्शन प्रोपरटैच इस तरीके का हो तो दिस विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू सीओ एच अगेन वी आर है एसिड इन दिस आर एज कंपाउंड आर में भी आपको डायकार मिला है क्यू में भी मिला है पी इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अब आपने हम ये इस एस पर एस को आप देखिए ये ये क्या चीज है ये एसेटल है इसको देखिए ये एसेटल है यहाँ अल्डिहाइड रहा होगा और ये हिस्सा ग्लाइकॉल है ठीक तो ये मास्किंग करी गई है यहाँ अल्डिहाइड की और फिर पहले ग्रिगनाड का यूज किया सीओ टू बनाया और फिर आगे की कहानी आइए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो एसेटल है ये अल्टीहाइड उन्हें ऑलरेडी मास्किंग करके दे रखा है मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यानी यहां एम और सीओ ठीक? ठीक एज नथिंग इज कि यहाँ एसिड बेस यहाँ तक कुछ नहीं है तो मैं सीओ माइनस पे रोक दूंगी क्योंकि सीओ माइनस एम प्लस ये यहाँ बना होगा अब जब इसका एच प्लस हम दे देंगे इसको एच प्लस दे देंगे तो दिस विल डेफिनेटली बिकम न्यूट्रल सीओ

और टॉलेंस रिएजेंट बिल्कुल बेंसल डिहाइट को ऑक्सीडाइज करेगा फेलिंग से अगर कोई गलती से कंफ्यूज हुआ हो तो यहाँ गलती करके आ सकता है बट टॉलेंस दिया है बिल्कुल बेंसलडिहाइट टॉलेंस टेस्ट देता है और यह आपका टेरेपथलिक एसिड पैरा पैरापोजिशन पे दोनों डाई कार्बोक्सलिक एसिड बन गया है सो तो आपके पास डाइकार्बॉक्सलिक एसिड के लिए क्यू आर और एस दोनों हैं क्यू आर तो आइडेंटिकल ही है क्योंकि वो मेटा पर हैं है ना और एस जो है वो टेरिप्थलिक एसिड है आइए ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं पी एंड क्यू आर मोनोमर्स ऑफ मोनोम एंड ग्लिप्टल पॉलीमर चैप्टर का बस इस एक ऑप्शन में यूज किया गया है बाकी कहीं अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन इस बार नहीं दिखा लेकिन ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पता हो तभी तो आप ये कर पाएंगे तो डेकरॉन और ग्लिप्टल में नहीं या ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पी इज नॉट अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो होती और उसके बाद उसमें टेरिपथेलिक एसिड वगैरह आइसोपथेलिक एसिड वो सब लग एसिड और टेरपथेलिक एसिड लगते हैं यहाँ आइसोपथेलिक एसिड बन रहा है सो ए कैन नॉट बी द आंसर बी पर आते हैं पी क्यू आर आर एसिड अभी हम इतना डिस्कस करके आए हैं कि पी जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक -like, नहीं मोनोकार्बोक्सलिक एसिड -like है क्यू एंड आर यस बट एक तो गया सो so पूरा ऑप्शन गया कंपाउंड क्यू एंड आर आर सेम यस यस दिस इज करेक्ट ये बात तो सही है कि क्यू एंड आर आर सेम बोथ आर आईसोपथलिक एसिड आर डज नॉट अंडर गो कंडेंसेशन यस हाउ कैन इट बी ये तो एसिड है एंड एस डॉट अंडर गो कैनिजारो लेट एस सी वॉट वॉज एस एस ये नॉट अंडर गो कार्बोक्सिलिक एसिड है सो कैनोट कैनॉट कर दिया गया आंसर करेक्ट हो गया और देयर बाय द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज कमिंग सी एंड डी बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि हर कोई इसके चारों ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट करके आएगा पार्शल हो सकता है कुछ लोग लें लेकिन गड़बड़ होने का पूरा स्कोप है क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट मिक्सड तरीके से पूछी गई है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स टाइम आपने अगर सही तरीके से लिख कर टाइम दे कर सवाल किया है तो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्यों है फंडामेंटल सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट

पार्टिकल फाइव इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और इसका एक पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वी वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल दैट्स आर इलेक्ट्रॉन्सलॉस मल्टीप्लाइंग जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ये टेन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और ये टेन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू टेन वेन फाइव मोल्स ऑफ इज देयर इसको बैलेंस करते हैं चार्ज बैलेंसिंग के लिए राइट हैंड साइड में पहले हम उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे सल्फर दो है तो यहाँ पे सल्फर फाइव है तो इधर फाइव लिख देते हैं मैगनीज यहाँ पे टू है यहाँ टू मैगनीज लिख देते हैं राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज फोर प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में टू नेगेटिव है एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी शुड राइट सिक्स टाइम्स ऑफ एच प्लस, प्लस इन एक्वस स्टेट इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में सिक्सटीन है तो हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना चाहिए एट वाटर मॉलिक्यूल शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एट है लेफ्ट में एट है सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन सो फ्रॉम हियर एक्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस सो एक्स की वैल्यू एट हो गई एंड वाई की वैल्यू ओवरऑल रिएक्शन में वेन फाइव मोल्स ऑफ एस टू एस इज पार्टिसिपेटिंग 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 इन वेरी सिंपल क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन तो ये ही ऐसा नहीं है कि केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछता है दे विल मिक्स इट कई क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल होते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे कर पाए और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट होते हैं सो दिस इज इन ईजी कैटेगरी दिस क्वेश्चन इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एन रेडॉक्स से है ये सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर नाइन दिस इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग कह सकते हैं पी ब्लॉक कह सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो ये सारे चैप्टर्स uh, को मिला के जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है वैसा क्वेश्चन है सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट अमंग दीज केमिकल स्पीसी द टोटल नंबर ऑफ स्पीसी हैविंग एस पी थ्री और एसपी थ्री सेंट्रल आइटम So here in I three, uh, in case of p block element, how to calculate the hybridization, we can use the formula that number of hybrid orbitals is equal to the valence electrons of the center and atom, right. So here iodine he central atom or surrounding atom he iodine. Hai. So we can write that the valence electron on iodine is seven. मोनोवेलेंट एटम्स आयोडीन आइटम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है सो देर आर टू अदर मोनोवेलेंट एटम्स अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है देन वी हैव टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू सो इफ आई एम डूइंग दैट आई एम गेटिंग दैट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू फोर सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू एस पी थ्री इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है आयोडीन देयर विल बी टू सराउंडिंग एटम्स ये जो है आयोडीन एटम्स ही हैं एंड देयर आर लोन पेयर्स तो कितने लोन पेयर होंगे यहाँ पे दो लोन पेयर है यहाँ आयोडीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट सिंस आयोडीन इज प्रेजेंट इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एक इलेक्ट्रॉन वहां से मिसिंग है छह इलेक्ट्रॉन्स हैं देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सो वी कैन से दैट द फर्स्ट कंपाउंड और द फर्स्ट आयन इज शोइंग एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरली हियर सिलिकन इज देयर आप या तो डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो या आप फिर यहाँ यूज कर सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट में सिलिकन इज द सेंट्रल एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास फोर हैं और चार इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं यहाँ पे There is no monovalent atom, oxygen is divalent. So, number of hybrid orbitals, if I am writing here that what is the number of hybrid orbitals? That is equal to valence electrons of central atom and the number of electrons it has taken divided by 2. So that is equal to 4. Is ka hybridization sp3 ho. Ya direct structure draw kar sakte This is the structure, all the oxygen atom has taken. वन इलेक्ट्रॉन सो नेगेटिवली चार्ज सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस और ये चार बॉन्ड बना रहा है ये सेंट्रल आइटम हो गया सो इफ आई राइट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू सेंट्रल एटम के पास आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डाइवेलेंट है मोनोवेलेंट क्लोरीन दो हैं डिवाइडेड बाई टू सो नंबर ऑफ हाइब्रिड फोर तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए वो sp3 आना चाहिए द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दो ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं सो व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर दो डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड एंड दिस सल्फर एटम Is sp3 hybridized. So SO2Cl2 is also sp3 hybridized. In case of XeF2, the central atom is xenon. Xenon ke outermost me eight electrons hai. So if I write that, what is the number of hybrid orbital? Chlorine is monovalent. There are two monovalent atoms divided by two. So number of hybrid orbital is five. Hybridization in this case is sp3d trigonal. बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए बट लोन पेयर आर देयर सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एस पी थ्री डी हाइबिडाइजेशन और ट्रायगनल बाई पिरािडल ज्योमेट्री लोन पेयर आर देयर लोन पेयर्स विल फर्स्ट गो इन टू द इक्विटोरियल पोजिशन तो यहाँ पे जो तीन लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर दो है ये लोन पेयर इक्विटोरियल पोजिशन पे और यहाँ पे फ्लोरिन आइटम्स एक्सीएल पोजिशन पे जाएंगे दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सीएफ टू तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा इट इज नॉट एस पी थ्री हाइब्रिड एस एफ फोर अगेन आई कैन राइट दैट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू सेंट्रल एटम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स है मोनोवेलेंट एटम्स फोर हैं डिवाइडेड बाई टू सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फाइव सो दिस इज एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइज ना इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फर के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है और एस पी थ्री डी है लोन पेयर हम पहले इक्विटोरियल पोजिशन पे भेजते हैं तो वन लोन पेयर इज देयर देर आर टू एटम्स एट फ्लोरिनियल पोजिशन एंड देर आर टू फ्लोरिन एट एक्सीएल पोजिशन सो वी नो दैट इट हैज सी सॉ टाइप ऑफ ज्योमेट्री तो ये भी नहीं आएगा एस एफ फोर सी एल एफ थ्री क्लोरिन जो है वो सेंट्रल एटम होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आउटर में इलेक्ट्रॉन सेवन मोनोवेलेंट एन थ्री डिवाइडेड बाई टू अगेन स्ट्रक्चर फॉर दिसन राइट दैट सेंट्रल पेयर बॉन्ड पेयर तीन है लोन पेयर जो है पहले इक्विटोरियल पोजिशन पे जाएंगे तो यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए और यहाँ एक बॉन्ड पेयर है फ्लोरिन एटम्स का और इक्विटोरियल पोजिशन पे दो फ्लोरिन एटम्स है सो इट हैज अ टी शेप ज्योमेट्री शेप होगा इसका सो अगेन दिस सिक्स ऑप्शन इज रॉन्ग सेवेंथ ऑप्शन नाउ दिस सेवेंथ ऑप्शन इज रिलेटेड टू कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यहां पर सी एफ टी नहीं लग सकती बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल वी कैन नॉट अप्लाई सी एफ टी तो निकल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है सो निकल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इज थ्री डी एट फोर एस टू हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो वीक फील्ड फील्डेंट है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो ये कार्बन मोनोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्डेंट तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे सो इन दिस केस विल गेट थ्री डी टेन एंड फोर एस जीरो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल्ड हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा दिस इज रॉंग एंड इन दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन एनसीआरटी ट्रांजिशन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर भी इसका दे रखा है इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड सो दिस इज विल बी दिस विल बी आंसर 8th स्ट्रक्चर

जो डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा जगह चाहिए सो इट शुड बी प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल पोजिशन और जो ये फ्लोरिन नॉट इन द आंसर मूविंग टू द नाइन्थ स्ट्रक्चर अगेन दिस नाइन्थ स्ट्रक्चर इज टेकन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम इज प्रेजेंट इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन स ऑफ प्लेटिनम वीक फील्डेंट विल ऑल्सो बिहेव लाइकल एंड प्लेटिनम इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिकेशन दैट इज निकल प्लस टू के लिए मैं लिख रहा हूँ फोर एस जीरो प्लेटिनम प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज इक्वल टू फाइव डी एट एंड सिक्स एस जीरो

ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी सो नाइंथ ऑप्शन विल विल बी बी ऑप्शन इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन के आउटर मोस्ट में एट इलेक्ट्रॉन्स है two, so six, so SP3D2. दो हैं और बॉन्ड पेयर फोर हैं तो अगेन दिस स्ट्रक्चर अगर लोन पेयर एसपी थ्री सारे एक जैसे हैं तो आप सिमेट्रिकली प्लेस करो तो अपोजिट पोजीशन पे दो लोन पेयर रख दिए है, नॉट कम इनकेसओ सी एल टू सल्फर इज देंट्रल एम आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मोनोवेलेंट एटम्स टू डिवाइडेड बाई टू सो फोर हाइबा थ्री इफ आई Draw the structure, sulphur will form a double bond with oxygen and since it has hybridization s p three there is a long lone pair on sulphur also which is here, and these are two chlorine atoms, yes is there is a chlorine atoms hai. so this is the structure hybridization again is s p three so this will come if I count. ये हो गया वन दिस विल बी टू थ्री फोर फाइव राइट सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन विल बी फाइव सो वेरी नाइस क्वेश्चन जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पी ब्लॉक राइट एंड केमिकल बॉन्डिंग उन सबको यूज करके ये क्वेश्चन पूछा गया है सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन इज फाइव क्वेश्चन नंबर टेन कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बी आर थ्री ओ एट एफ टू ओ एच टू एस फोर ओ सिक्स एच टू एस फाइव ओ सी थ्री ओ टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलीक्यूल एंड देयर सम इज सो ये जो स्ट्रक्चरस हैं ये स्ट्रक्चर्स एन सी आर टी से है जैसे ये बी आर थ्री ओ एट जो है वो रेडॉक्स चैप्टर में स्ट्रक्चर गिवेन है This is structure is given in redox chapter BR3O8, a paramagnetic substance. F2O is, is given in chemical bonding. Right. So this is in chemical bonding. And this is regarding chemical bonding, thionic acid series. So this is tetra-thionic acid and this is pentathionic acid. And this carbon suboxide is again this is structure is given in redox. तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो सो हियर इफ आई ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन एटम्स हैं, इनसे तीन ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, जो सेंट्रल ब्रोमीन एटम है उससे दो ऑक्सीजन एटम अटैच है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी आर थ्री ओ एट तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन से ब्रोमीन एटम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस ब्रोमीन एटम इज इन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिस ब्रोमीन एटम इज इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज इन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर इन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट सो देयर इज नो एटम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस ओएफ2 वाटर टाइप स्ट्रक्चर है इसका और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन सो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है दिस इज इन माइनस वन एंड दिस ऑक्सीजन इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देर इज नो आइटम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ये है थायोनिक एसिड सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा थायोनिक एसिड देर आर टू टर्मिनल सल्फर एटम्स एंड देर आर टू सल्फर एटम्स इन बिटवीन तो so, ये जो ओ एच ग्रुप है वो टर्मिनल एटम से जुड़ा हुआ है देर आर टू ओ एच ग्रुप वी कैन कंबाइन दम और जो ऑक्सीजन एटम है इसको हम टर्मिनल सल्फर एटम्स पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राथायोनिक एसिड सो इन दिस स्ट्रक्चर वी नो दैट ये जो सल्फर एटम है बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन हियर इज एस पी थ्री इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज This sulfur atom is present in plus 5 oxidation state. Hydrogen atom is present in plus 2. All the oxygen atom here is in minus 2 oxidation state. This sulfur is zero oxidation state. Mein bond breaking there is no development of charge because hybridization of sulfur and this sulfur is same. Here also on breaking the bond there is no change in... Uh, uh, there, there is no development of charge. So this sulfur atom is in zero oxidation state. This sulfur atom is in five oxidation state. Already, this question JEE advance In place of this acid, they have asked about Na2S4O6 and they have asked that what is the difference between the oxidation number of two type of sulfur atom? So there are two sulfur atom which are in plus five oxidation state. There are two sulfur atom.

ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाते हुए और एक ओ एच बॉन्ड जुड़ा होगा और जो बीच में सल्फर एटम्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड अगेन द टर्मिनल सल्फर एटम इज लाइक दिस सो फ्रॉम हियर इफ आई ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दीज टू सल्फर एटम्स देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज तो ये तीनों सल्फर एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला सल्फर एटम प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये सल्फर एटम प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल हाइड्रोजन एटम इज इन प्लस वन ऑल ऑक्सीजन एटम इज इन माइनस टू सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट देर आर थ्री एटम्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो कार्बन सब इट इज गिवेन इन रेडॉक्स चैप्टर इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब दिस इज द स्ट्रक्चर सो इफ आई ब्रेक द बॉन्ड ये ऑक्सीजन माइनस दिस ऑन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से कार्बन प्लस टू में है इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज तो दिस कार्बन एटम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला कार्बन जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो प्लस टू में होगा और ये ऑक्सीजन माइनस टू में सो ही ऑल्सो देयर इज वन ऐटम विच इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सारे मॉलिक्यूल्स में जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है थर्ड ऑप्शन में दो है फोर्थ ऑप्शन में तीन है और फिफ्थ ऑप्शन में वन है सो टू प्लस थ्री प्लस टू सिक्स सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन इज इक्वल टू सिक्स सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर हीलियम प्लस अ ट्रांजिशन Takes place from the orbit of radius 105.8 picometer to the orbit of radius 26.45 picometer. The wavelength in nanometer of the emitted photon during the transition is, Bose radius is given in picometer, Rydberg constant in terms of energy is given, Planck constant and speed of light is given. So, very simple question, calculation based question. So, let us start the question. पहले तो हम ये फाइंड आउट करें कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस आयन है राइट इन केस ऑफ हीलियम प्लस आयन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सो आई कैन अप्लाई दिस फार्मूला दैट रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल टू सिंस इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर आई शुड राइट फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर बाई जेड सो जेड की वैल्यू यहाँ पे टू है So this value case so this value is equal to 105.8. So from here, if I calculate what is the value of n, right? So n square is equal to 2 times of this value. So 8 into 2 will be 16, and this will be 11. So this is 211.6 divided by 52.9.

so again we'll write that 52.9 n square divided by 2 is equal to 26.45 if i multiply this on the right hand side it is again 52 se so multiply karo this is equal to 52.9 and this is also 52.9 to ye bhi confirm ho gaya that n is equal to 1 so

For helium plus, if I write that, what is the energy of the second orbit? Energy of the second orbit is equal to Rydberg constant. They have given in terms of energy, so I can directly write two point two into ten to the power minus eighteen. Z square will be four upon n square. N square will be four. Right? This E two will be with minus sign. ये फोर और फोर कैंसिल आउट हो जाएगा दिस इवन माइनस इवन तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट टू इन टू टेन टू द पावर माइनस एटीन जेड स्क्वायर विल बी फोर एंड एन स्क्वायर विल बी वन सो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट वॉट इज द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ ऑफ द फोटोन आई कैन राइट दैट द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एच सी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन एच की वैल्यू दे रखी है पावर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन दैट इज इक्वल पावर मीटर पर सेकेंड और हमने एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू जूल में कैलकुलेट करी है दिस इज इक्वल पावर अप इट विल्वेंटी 10 to the power minus 34 plus 10 to the power 26, it will give 3 into 10 to the power minus 8. We have to write the answer in terms of nanometers. So we will divide and multiply it by 10. So this is coming 30 into 10 to the power minus 9. So our answer is 30 nanometer, 30 nanometer. So the answer of question number 11 is 30. Question number twelve. This question is based on solution. So let us read the question first. Fifty mL of 0.2 molar urea solution, density of solution is given at 300 Kelvin, is mixed with 250 mL of a solution containing 0.06 gram of urea. Both the solutions were prepared in the same solvent, and the osmotic pressure in tor of the resulting solution at 300 Kelvin is. मुलर मास ऑफ यूरिया इज सिक्सटी ग्राम पर मोल द गैस कॉन्स्टेंट इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ लीटर टॉर्क पर कैलविन पर मूल एंड दे हैव गि दैट ऑन मिक्सिंग देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम राइट सो ऑन मिकसिंग इट इज फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल द डिटेल्स डेटा इज गिवेन देर इज नो कन्फ्यूजन इन इट लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले हमें जो फिफ्टी एम एल सोल्यूशन दे रखा है इससे

इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो हंड्रेड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड टू डिड बाई टू सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट आप देखो जरा फिफ्टी पॉइंट सिक्स को अगर टू से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी वन हंड्रेड टू राइट सो दिस इज द मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवेन मोलालिटी सोल्यूशन इज पॉइंट टू मोलल डेफिनेशन ऑफ मोलालिटीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट यहाँ यूरिया है सो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट वी कैन राइट दैट द सॉल्यूट का मास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलर टू ऑफ सॉल्यूट ये पूरा मास ग्राम में आया है वी हैव टू विल गो इन न्यूमरेटर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन जीरो माइनस ट्वेल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया राइट हैंड साइड में है थाउजेंड मोल्स ऑफ यूरिया थाउजेंड इन टू नंबर ऑफ मोल्स अगेन आई एम गेटिंग दैट द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टू डिड बाई ट माइनस टू फिफ्टी एम एल में टेन टू दावर माइनस टू मोल्स यूरिया के हैं हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन है जो टू फिफ्टी एम एल है उसमें हमें मोल्स ऑफ यूरिया मास ऑफ यूरिया इज गिवन हियर इट इज 250 फिफ्टी एम सो आई कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन दिस मास मासज़ पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम मीन सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इज सिक्सटी सो टेन टू द पावर माइनस थ्री मोल्स ऑफ यूरिया इज दिस तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे सो विल गेट दैट वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया

वैल्यू ऑफ आर सोल्वेंट इज ऑल्सो नॉट नोन बट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली बिकॉज आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लीटर में है तो इसलिए हमने वॉल्यूम लीटर में लिखा है टॉर में आंसर आएगा पर कैलविन परमोल आर इज नोन नाउट द टेम्परेचर इफ आई राइट टेम्परेचर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा टेन टू दावर माइनस टू से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे थ्री और ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा सो वी आर गेटिंग दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू इलेवन इन टू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड सो दिस वैल्यू इज कमिंग टू सिक्स आ रही है यहाँ से सो विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन